वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन इन क्लास फोर्थ मैथ्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन टू कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो आज हम लोग बेटा संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे और इसमें हमारी हेल्प ये बर्ड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोर्ड पे बेटा हम लोग पहले ये पिक्चर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रॉफीज लेफ्ट हैंड साइड है और कुछ राइट हैंड साइड है। अब इसको काउंट करते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4 कितनी ट्रॉफीज है यहाँ पे, 4 है। अब चलिए राइट हैंड साइड काउंट करते हैं, 1, 2 यहाँ 2 ट्रॉफीज है। अब ये बर्ड हमें बताएगी कि कौन किस साइड की ट्रॉफीज अधिक हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए बर्ड का मुंह खुल गया, इस तरह बर्ड का मुंह खुल गया, यानी कि 4 ट्रॉफीज जो हैं वो 2 ट्रॉफीज से ज्यादा हैं। तो इसके लिए देखिए बेटा हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, देखिए बर्ड का जो बीक था वो ओपन हो गया था, तो जिस तरफ ओपन होता है वो ग्रेटर होता है और जो पीछे है ये लेस है। ये देखिए सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो 4 टॉफीज आर ग्रेटर देन 2 टॉफीज, इस तरह से होगा। इसके बाद देखिए बेटा नीचे सर्किल बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 सर्किल्स हैं। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 सर्किल्स हैं। अब चलिए ये बर्ड हमारी हेल्प करेगी। ये देखिए बर्ड का जो बीक है वो 5 की तरफ खुल गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ज्यादा है और 3 वाला कम है। तो इसके लिए देखिए ये जो सिंबल है यहाँ पे देख आप लोग देखिए, ये जो है ये क्लोज एंड, यहाँ पे देखिए ये दोनों के एंड यहाँ पे बंद हो गए, क्लोज हो गए हैं। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, 3 इज स्मॉलर या लेस देन 5। अब 5 की तरफ देखिए इसका बीक खुला था तो ये ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेस देन का साइन ये होता है, लेस देन को स्मॉलर देन भी कहते हैं। तो ये हो गया 3 इज स्मॉलर देन 5। अब चलिए यहाँ पे देखिए नीचे बेटा ये आइसक्रीम कोन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आइसक्रीम कोन है तो हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, और राइट हैंड साइड में भी देखिए 1 है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है, दोनों ही संख्या बराबर है संख्या में जो आइसक्रीम कोन है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल देखिए एक और साइन होता है सिंबल, ये इक्वल टू का, ये जो है इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो भी आप वस्तुएं हैं या नंबर हैं वो सेम हैं। तो सेम के लिए ये होता है और इक्वल टू, ये देखिए ये इसका सिंबल है इक्वल टू। तो इस तरह जैसे हमने पिक्चर्स के माध्यम से बेटा कंपेयर किया, अब हम लार्ज नंबर्स को भी कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा बोर्ड पे स्टेप्स फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स। तो यहाँ पे दो नंबरों की तुलना करने के लिए स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, कंपेयरिंग एग्जैक्टली द सेम नंबर्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए सेम नंबर्स हों, तो यहाँ देखिए यहाँ पे बोर्ड पे 56,283 लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बाद देखिए 56,283 राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 है, 5 अंकों की संख्या है। इसी तरह यहाँ भी देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब सबकी प्लेस वैल्यू पे आप देखिए डिजिट की, देखिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 है, तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है। फिर 1000 पे देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। 100 पे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। टेंस पे देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। वंस पे देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी कि कोई भी मतलब दोनों संख्याओं में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी प्लेस वैल्यू पे जितनी भी डिजिट है वो सेम है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा, जो सिंबल हमारा इक्वल टू है, यानी दोनों ही संख्या एग्जैक्टली सेम, ये नंबर जो है सेम है।
इसी तरह आप यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। अब दो संख्याओं की तुलना करनी है लेकिन उसमें जो डिजिट की संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 35,276 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे देखिए 247,856 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये देखिए 5 डिजिट है और यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो 6 डिजिट वाली संख्या है वो 5 डिजिट से अधिक है, तो यानी कि राइट हैंड साइड वाली संख्या अधिक है। तो इस तरह इसका सिंबल ऐसे हम साइन लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे 35,276 इज लेस देन 247,856। ठीक है, डिजिट्स को काउंट कर लीजिए नंबर्स में और फिर देख लीजिए कि कौन सा अधिक है, जिस नंबर के डिजिट्स अधिक होंगे वो बड़ा होगा। थर्ड वाला देखिए बेटा, कंपेयरिंग नंबर्स विथ द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। बोर्ड पे देखिए बेटा, दो नंबर्स दिए गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये क्या है 35,879 और राइट हैंड साइड में 35,276। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इस नंबर में। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट है। ये इसका पहला स्टेप है कि हम देखेंगे कि दोनों में जो डिजिट्स की संख्याएं हैं वो बराबर हैं। अब देखिए इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ये देखिए सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है, 10,000 की है, फिर 1,000, 100, 10, 1 ऐसे हमने लिख दिया टेबल में। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर हमने यहाँ लिखा है, ये देखिए 10,000 में 3 और ये देखिए 5 को हमने 1,000 में डाला, 8 को हमने 100 में रखा, 7 को हमने 10s में और 9 को हमने 1s प्लेस पे कर दिया। और फिर देखिए सेकंड नंबर जो है उसको हम इसके नीचे इस टेबल में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10,000 पे 3 है और 1,000 पे हमने 5 को रखा, 2 को हमने 100 पे और 7 को हमने 10s पे, 6 को हमने 1s पे। अब इस तरह दोनों ही नंबर्स को हमने इस टेबल में लिख लिया। अब हम चलिए सबसे जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है वहां से शुरू करेंगे। तो 10,000 सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये जो प्लेस वैल्यू पे डिजिट्स है ये सेम है। अब हम इसके छोटे प्लेस वैल्यू पे चलेंगे यानी कि 1,000 पे। तो यहाँ देखिए 1,000 पे पहली वाली जो नंबर है उसमें 5 है और सेकेंड नंबर में भी 5 डिजिट है, तो ये 1,000 प्लेस भी सेम है। फिर हम इसके इससे छोटी वाली पे चलेंगे, 100 प्लेस वैल्यू पे आएंगे। तो यहाँ देखिए 100 प्लेस वैल्यू पे पहले वाले नंबर में देखिए 8 लिखा है, डिजिट 8 है और सेकेंड वाले नंबर में 2 है। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे जो नंबर है नंबर्स में ये डिजिट डिफर कर रही है, तो 8 जो है ग्रेटर देन किससे है, 2 से। 8 जो है वो 2 से बड़ा है। तो यहाँ से देखिए पता चल गई कि ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर है, यानी 35,879 इज ग्रेटर देन 35,276। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले से बड़ा नंबर है। यहाँ देखिए 35,879 इज ग्रेटर देन 35,276। तो इस तरह बेटा हम लोग दो नंबरों की संख्या को तुलना करके और उसमें जो साइन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पुट द करेक्ट साइन, लगाना है हमें ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाना है। तो यहाँ देखिए ए पे देखिए यहाँ पे 47,321 है और यहाँ है 42,936। इन दोनों नंबर को हमें कंपेयर करके करेक्ट साइन लगाना है। तो यहाँ देखिए काउंट करिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, दोनों में 5 डिजिट है। तो जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखिए इसकी 10,000 है,
तो यहाँ पे देखिए कौन सा डिजिट है, फोर है, यहाँ भी देखिए फोर है, तो दोनों सेम है। अब हम थाउजेंड प्लेस पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे सेवन है और यहाँ पे क्या है टू है, तो यहाँ पे देखिए सेवन जो है वो टू से बड़ा है, तो यानी कि 47,321 इज ग्रेटर देन, तो इस तरह ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा 42,936। तो इस तरह हमने इसको कंपेयर किया बेटा। अब चलिए बी वाला देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 6,48,925 है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखिए 6,84,251, ये दो नंबर्स दिए हैं। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें भी 6 डिजिट है, यानी कि दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं। अब चलिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इसकी लैक है, तो देखिए यहाँ पे लैक पे यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों ही नंबर अभी सेम है। फिर यहाँ पे देखिए 10,000 पे यहाँ 4 है और यहाँ देखिए 10,000 पे 8 है, तो कौन सी बड़ी हो गई, 8 वाली, 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 6,84,251 बड़ा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इस तरह। अब इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए बेटा, 6,48,925 इज स्मॉलर देन या लेस देन 6,84,251। तो अब हमने इसको भी कंपेयर कर लिया। अब चलिए सी वाला इसका पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 73,582 है, अब राइट हैंड साइड में देखिए 2,46,379 है। अब यहाँ पे देखिए बेटा इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 हैं, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि 6 डिजिट वाली जो संख्या है वो 5 डिजिट से बड़ी है, तो यहाँ पे ऐसे साइन लगेगा ग्रेटर देन का इस तरफ। और इसको कैसे रीड करेंगे, 73,582 इज स्मॉलर देन 2,46,379। चलिए ये दोनों भी कंपेयर हो गए। अब यहाँ देखिए डी पे भी दो संख्याएं दी गई हैं, नंबर्स हैं, ये देखिए 52,947 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए 52,947, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी 5 डिजिट है, यानी कि दोनों में समान अंक हैं। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 10,000, यहाँ देखिए 10,000 पे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है 10,000 पे, फिर 1,000 पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है 1,000 पे, फिर 100 पे देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, फिर 10th प्लेस पे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 1th देखिए 1th प्लेस पे यहाँ 7 है, तो 1th प्लेस पे यहाँ भी 7 है, यानी कि दोनों ही नंबर में डिजिट्स भी सेम है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, तो इक्वल टू बराबर है, तो इक्वल टू का साइन लगेगा। तो इस तरह बेटा हम लोग 5 डिजिट और 6 डिजिट्स के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।